हेलो गाइस, और आ गया एक और नई वीडियो के साथ। और आज मैं करने वाला हूँ, आपको टाइटल देख के समझ ही आ गया रहेगा। सो लेट्स रोल। आई सी समवन। सो टुडे वी आर डूइंग क्राफ्ट एज यू नो। सो फर्स्ट वी विल मेक द बटरफ्लाई। टेक अ स्क्वायर पेपर 15x15 cm। यू हैव टू फोल्ड इट इन हाफ फ्रॉम बिटवीन। After that, you have to fold from the corner to corner, like in a triangle shape, like this, from both the sides. After that, you have to hold. How you can see the folding? जैसे folding दिख रही है ना, ये जो इतना जो part है ना, इसको कुछ नहीं करना, और जो side वाला है उनको बीच में ऐसे कर देना है, और वो ऐसा दिखना चाहिए कुछ, like ऐसे चार चारों side ऐसे होने चाहिए। फिर इसके बाद आपको ये जो side का corner है ना, फाड़ देना है दोनों साइड का। फिर उसके बाद ये जो साइड साइड के है ना, इनको एकदम मिडल में कर देना है, ऐसे करके मिडल के साइड कर देना है। दिख रहा है ना, मैंने यहाँ से ऐसे सिंपल फोल्ड कर दिया है। फिर दूसरे साइड से भी वही करना है आपको। फिर उसके बाद जो ये पार्ट है ना, आपको इसको ऐसे पीछे से लेना है, पीछे से, और फिर ये ऐसा हो जाएगा। अगर आप ऐसे पीछे से उठाओगे और आगे लाओगे ना, फिर वो ऐसे दिखेगा आगे से, और फिर आप ऐसे उसको ऐसे दबा सकते हो और बटरफ्लाई बन भी गई। दो दो बटरफ्लाई, ये। और अब आप ना, अभी लॉकडाउन में आप डेकोरेशन के लिए इनको यूज कर सकते हो अपने बर्थडे पे भी। तो सेकंड क्या बना है? क्या बॉम्ब बना है? चलो बॉम्ब बना। उसके लिए भी आपको स्क्वायर पेपर चाहिए 15x15 cm का। उसको भी सेम स्टेप्स करना है लाइक बटरफ्लाई, सब कुछ सेम करना है। मैं कर देता हूँ, हो गया। फिर आपको वापस वो स्टेप को करना है। फिर जब ये ऐसा बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, अभी आपको बटरफ्लाई जैसे करना है, पर साइड से फाड़ना नहीं है। ऐसे ये वाला कॉर्नर ऐसे यहाँ से बीच में लिया, और फिर यहाँ से हो गया। हाँ, यहाँ से फिर अब दूसरा वाला भी लो, उसको भी सेम कर दो। फिर उल्टा करो और वापस से वही करो, वापस से वो स्टेप करो, वापस हो गया। अभी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस पर। अभी क्या है? अभी डिफिकल्ट है थोड़ा। ये है ना, ये वाला पार्ट जैसे साइड का है, आपको इसको, इसका सिर्फ इतना सा, जितना पॉइंटेड पार्ट था ना यहाँ का, आपको सिर्फ इसको यहाँ पर ऐसे मिडल पे टच करना, दिख रहा है? हाँ, ऐसे मिडल पे टच कर देना है। अब दूसरी साइड से भी कर देता हूँ मैं। फिर उसके बाद आपका ऐसा दिखना चाहिए कुछ, ऐसा शेप का दिखना चाहिए, हाँ ऐसा। फिर पीछे भी वैसे करना है सेम। हो गया पीछे साइड का भी। फिर आपका कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा हो जाएगा आपका शेप, जो साइड के थे वो जाएंगे। और फिर ये जो ऊपर है ना, ये देखो, ये है यहाँ पर, ये है, और यहाँ पर इनके ऊपर ऐसे ही है पार्ट का, ऐसे खींच के इसके अंदर जो ये स्पेस है ना, एक सेकंड दिखा देता हूँ, ये देखो ऐसे स्पेस होगी ना, आपको इसको लेना है और वो स्पेस के अंदर डाल देना है, और फिर उसको ऊपर से प्रेस कर देना है, और फिर हर एक सर्कल के अंदर वापस वो सेम चीज़ करनी है। और उसके बाद बस देखना मैं क्या करता हूँ। देखो ये हो गया बलून। पर आप लोग को लग रहा रहेगा कि फूका क्यों नहीं है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर ये ऊपर की साइड से आपने डाला है, तो उसके नीचे के साइड पे एक होल रहेगा, और ऊपर के साइड से ब्लॉक है, तो आपको जो नीचे वाला साइड है उसमें बस हवा ब्लो करनी है अपने मुंह से। बॉम इज रेडी। हम बनाते हैं रैबिट। ये नॉर्मल रैबिट नहीं, उड़ता है। कहाँ गया भाई? चलो एक और बनाते हैं। सब वापस से वही है स्टेप्स, सेम स्टेप्स। इतना हो गया ना, ऐसे ट्रायंगल बन गया। फिर उसके बाद आपको ट्रायंगल को हाफ में करना है। हम पहले क्या करते थे, हम उसको चार पार्ट्स में करते थे, अभी हम लोग को ऐसे करके दोनों साइड को ऐसे जॉइंट करना है, ऐसे करके हो गया है ना। अब इसके आगे हम लोग को थोड़ा कटिंग करना पड़ेगा। कैंची ले,
और यहाँ पर ये दो पेपर है ना, यहाँ पर देखो ऐसे दो पेपर एक जगह पे है ना, और ऐसे ये वाली जगह पे आपको कट नहीं करना है, यहाँ पर करना है। और जैसे मैंने किया वैसे यहाँ ऐसे लो, और आपको डायरेक्टली उसको साइड से नीचे की तरफ कट करना है, पूरा कट नहीं करना है, नीचे का इतना सा छोड़ दो बस। और ये जो पेपर बचेगा ना इसके पीछे का, ये दो दो पार्ट्स हैं, देखो यहाँ पर दो है, एक सेकंड अच्छे से दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो इसको काटे थे, पीछे का पेपर है ना, अब दो पेपर लेफ्ट में जाएंगे और दो पेपर राइट में जाएंगे। और ये ध्यान रखना कि आप उसके कान है ना, जो यहाँ पर वो कान एंड होते हैं, उससे नीचे मत लेके जाना, नहीं तो फट जाएगा और ख़राब हो जाएगा। और फिर आप इसको नीचे से भी डेकोरेट कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो आप शो के लिए वैसे इनको खड़े भी कर सकते हो, जैसा आपने देखा था स्टार्ट में ही, शायद ये उड़ने वाला है। अभी कुछ मज़ेदार बनाता हूँ, जैसे कि एक आपको एक रेक्टेंगुलर पेपर लेना पड़ेगा और इनको दोनों साइड से ऐसे फोल्ड करना पड़ेगा। फिर हो गया ऐसे, हो गया। अब आपको ऐसे दोनों साइड ऐसे ट्रायंगल कर देना है, ठीक है। रेक्टेंगल पेपर को ऐसे लाना है, आधा आधे इस पे और दूसरे साइड से भी आधा। और जो नीचे का है मैंने उसको ऑलरेडी कट कर दिया है, आप भी कर देना कि वो आगे ईजी हो जाए। और फिर उसके बाद इनको उल्टा फोल्ड कर देना है। हाँ देखो जैसा अभी ऐसा हो गया ना, एक डायमंड सा शेप बन गया है। अभी आपको दूसरे साइड से भी ऐसे कर देना है, दूसरे से भी। फिर जैसे हम लोग नॉर्मल स्क्वायर के पेपर से बना रहे थे ना, वो आपको बनाना है। ऐसा हो गया, फिर देखो ऐसा शेप होना चाहिए आपका अंदर से, ऐसा होना आपका बाहर चाहिए। तो ऐसे आप दोनों साइड से वापस वो स्टेप रिपीट करो, ऐसे ऐसे रखो, ट्रायंगल बना लो। और इस बार क्या अभी ट्रायंगल पूरा तो नहीं बन पाएगा ना, है ना, ऑब्वियसली पूरा नहीं बनेगा। हाँ अब ऐसे हो जाएगा तो ऐसे दिखने वाला है अंदर से। आपको दोनों साइड से सेम कर देना है। अब जैसे मैं बहुत टाइम से क्राफ्ट कर रहा हूँ तो मुझे आता है, अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को बार बार देखो, आपको आराम से करो, आपको सब समझ आ जाएगा, डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको ध्यान से आप करोगे कुछ भी, आपको फिर इजी लगने लग जाए। और फिर ये दोनों साइड जो है ना ऐसा दिखेगा आपका, यहाँ नीचे से और यहाँ ऊपर से। तो ऊपर का जो है ना आपको ऐसे कर देना है, ऐसे साइड है ना, देखो ये ऐसा है, तो मैंने इसको साइड से ऐसे मिडल में आधा कर दिया, इसको भी आधा कर दिया। और फिर नेक्स्ट स्टेप आपको करना पड़ेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आप कह सकते हो कि ये जो है ना एक्स्ट्रा, आप सोच रहे हो कि इसको काटना है, नहीं, आपको इसको नीचे करना है और ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए। देखो अभी ऐसा आपका फ्रॉग हो गया, इसको नीचे से भी, नीचे से इसको आपको ऐसे ऊपर को कर देना है, और इसका जो कांटा है एकदम बीच में पॉइंट करना चाहिए, तभी आपका परफेक्ट बनेगा। अगर नहीं भी हो रहा चलेगा, आपका सही बन रहा है। अभी नेक्स्ट स्टेप, जैसे हम लोग ने पहले वो बलून में किया था ना, वो होल के अंदर डालना है, एग्जैक्टली सेम इसमें भी होल है। ये देखो इसमें भी, यहाँ पर अगर आप पूंछ को ऐसे खोलोगे ना तो इसके अंदर भी होल है। और ये जो है ना आपको इसको अंदर डालना है, ये जो है ना साइड में, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला ट्रायंगल से बनाओ, मैंने ट्रायंगल से बोला, आज देखो उसको अंदर डालना है। और मेक श्योर कि वो पूरा अंदर जाए, कि आपका अच्छे से होए। अभी नेक्स्ट पार्ट, इनके पैर कैसे बनेंगे, पैर बाउंस बाउंस करने के लिए पैर चाहिए। अभी ऐसे हो गया आपका, ये ऊपर से फ्रॉग रेडी है, आपको बस नीचे से जो करना करो, है ना। अभी ये नीचे से, एक सेकंड में पहले फोल्ड कर देता हूँ, फिर आपको बाद में बताता हूँ इसके बारे में। ऐसा फोल्ड हो गया है, ये जो साइड में थे मैंने इनको ऐसे बीच में फोल्ड कर दिया। फिर आपको इनको बताऊँ कैसे फोल्ड करना है, एक सेकंड रुक जाओ। ये जो ऐसे है ना, ये जो मार्किंग है ना यहाँ पर, इनको एग्जैक्टली इनके ऊपर ही लगाना है आपको, ऐसे करके दोनों साइड से। अब लग रहा है ना इसके पैर जैसा, देखो दोनों के पैर सेम है ना, है ना। हाँ अभी जो नीचे का है ऐसे कि, अब यहाँ देख रहे हो मैंने उसको यहाँ से फोल्ड किया है, तो फोल्ड कैसे करना अभी दिखाता हूँ। ये है, मैंने इसको यहाँ पर टच कर देना, देखो देखो एक सेकंड, देखो ये है ना ये नीचे का, इसको आधा फोल्ड करके हम लोग को यहाँ पर तक टच कर देना है। हाँ हो गया। फिर अब उसको आपको वापस उसके ऊपर से छोटा सा फोल्ड करके वापस ऐसे खड़ा हो गया। अब इसको वापस ऐसे कर दो, और जो साइड में एक्स्ट्रा है ना ये पेपर, ऐसे आप इनको ऐसे नीचे की तरफ मोड़ दो, ये नीचे की तरफ मोड़ दो आप इनको, रेडी फ्रॉग आर रेडी। ये फ्रॉग फ्रॉग आ रहे हैं, शिट नॉट गुड। अभी हम लोग की आर्मी डबल हो सकती है, एक रैबिट, दो रैबिट, वाओ दो बटरफ्लाई, वाओ हम इसको कैसे भूल गए, दो दो बॉम्ब, बूम। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी रहेगी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, और बी रेडी फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।